हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये ठंड का महीना आते ही हमारा जीना मुश्किल हो जाता है और टेम्परेचर मुश्किल से 4-5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पूछो मत। कुछ लोग तो नहाना खाना घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देते हैं, बस घर के अंदर कंबल रजाई में अपने आप को लपेट के पड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां की टेम्परेचर -60 -70 डिग्री सेल्सियस तक भी चली जाती है, लेकिन वहां के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी चालू रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपके मन में कई सवाल पैदा हो सकते हैं। -60 -70 डिग्री सेल्सियस वाली कड़ी ठंडी में भी लोग कैसे रह लेते हैं? वो लोग क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, और भी कई सवाल आपके मन में पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों, आज जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओम्याकोन। रशिया में स्थित ये शहर को दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। हालांकि दुनिया में इससे भी ठंडी जगह हैं, लेकिन वहां पे लोग नहीं रहते हैं। सर्दियों में यहाँ सामान्य तौर पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी तो यहाँ टेम्परेचर -70 -71 डिग्री सेल्सियस तक भी चली जाती है। अगर इस शहर में गर्म पानी को हवा में उछाल दिया जाए तो तुरंत बर्फ में तब्दील हो जाता है। यहाँ ठंड का प्रकोप इस कदर है कि अगर आप गाड़ी का इंजन को एक बार बंद कर देते हैं तो दोबारा चालू करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कई पर्यटकों के लिए ये शहर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ हर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि इस शहर में घूमने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सर्दियों में यहाँ पहुंचने के लिए आपको रूस का याकुत्स्क शहर से 2 दिन का कार का सफर करना पड़ता है। यहाँ पहुंचने के लिए रोड ही एक माध्यम है क्योंकि यहाँ इतनी बर्फ जमा हो जाती है कोई भी जगह पे प्लेन लैंड नहीं कर सकता है। शहर के मौजूद कई चौराहे पे थर्मोमीटर लगा हुआ है। वहीं शहर के एक चौराहे पर मेन थर्मोमीटर लगाया हुआ है। मेन चौराहे पर एक निशान है जो आपको ये दर्शाता है कि सबसे कम तापमान कब गया था। क्योंकि ये शहर आर्कटिक सर्कल से बहुत ही करीब है तो यहाँ सर्दियों में 21 घंटा अंधेरा रहता है। अगर आप यहाँ घूमना आना चाहते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोगों को इस मौसम की आदत सी पड़ चुकी है, तो यहाँ के लोगों को कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ घूमने आने वालों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े कई समस्या आ सकती है, जैसे कि उन्हें फ्रॉस्ट बाइट बहुत तेजी से हो सकता है। अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो उंगलियों को काटना भी पड़ सकता है, और यही वजह है कि यहाँ जाने से पहले लोगों को खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है क्योंकि यहाँ के पाइप में मौजूद पानी जमा हो जाता है। ऐसे में पीने का पानी भी बर्फ को पिघला कर इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में पानी जम जाने पर लोग अपने घर का बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे में लोगों को बाहर जाना पड़ता है जो कि किसी जंग से कम नहीं है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको इस शहर में खाने का बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ सर्दियों में बिल्कुल खेतीबाड़ी नहीं होती और गर्मियों में भी बहुत कम खेतीबाड़ी की जाती है। यहाँ के लोग अंडे, खरगोश, हिरन, मछलियाँ और अलग अलग तरह के मांस खा के जिंदा रहते हैं। ऐसा खाने से उनका शरीर गर्म रहता है। यहाँ -50 डिग्री सेल्सियस में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब तापमान में अधिक गिरावट हो जाती है तो स्कूल अक्सर बंद रहता है। कड़ाके की सर्दियाँ का सामना करने के लिए बच्चों को यहाँ
तापमान के हिसाब से सख्त बनाया जाता है। जानकारी के अनुसार यहाँ दिसंबर के महीने में सूरज 10 बजे उगता है। 2018 के एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ 500 से 900 लोग रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ से लोग दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। तो दोस्तों, रशिया का ओम्याकन नाम का इस शहर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस और दुनिया के ऐसे ही अनोखे बातें, अनोखे जगह, अजूबे लोग तथा अद्भुत घटना के बारे में जानना अगर आपको पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।